Hello everyone, welcome back to my channel and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And today I'll discuss amino acids from Leninger's Principles of Biochemistry chapter number 3. So proteins are most abundant biological macromolecules occurring in all cells and all parts of cells. Means protein जो होता है वो most abundant biological macromolecule होते हैं जो कि सारे cells में होते हैं और cells के सारे parts में होते हैं. अब यहाँ पे एक term है biological macromolecules. Biological macromolecules क्या होता है? Biological macromolecules proteins होते हैं, carbohydrates होते हैं, lipids होते हैं एंड न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं. न्यूक्लिक एसिड्स में आरएनए होते हैं एंड डीएनए होते हैं. सो दीज बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिकुल्स में प्रोटीन्स जो होता है वो सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है सेल्स में, और ये सारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं एंड सेल्स के सारे पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं. ऑल सेल्स का मतलब क्या हुआ? ऑल सेल्स का मतलब हुआ चाहे वो स्किन सेल्स हो, चाहे वो इंटेस्टाइन का सेल्स हो, चाहे वो लंग्स के सेल्स हो, चाहे वो हार्ट के सेल्स हो, चाहे वो न्यूरोन के सेल्स हो, प्रोटीन्स सारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. ऑल पार्ट्स ऑफ सेल्स का मतलब क्या हुआ? सेल्स के सारे पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो सेल का मेम्ब्रेन हो, चाहे वो सेल का साइटोप्लाज्म हो, या फिर सेल का मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स हो. नेक्स्ट, प्रोटीन्स आल्सो अकर इन ग्रेट वैरायटी. प्रोटीन्स ग्रेट वैरायटी में प्रेजेंट होते हैं, मींस प्रोटीन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं. थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स अरेंजिंग इन साइज फ्रॉम रिलेटिवली स्मॉल पेप्टाइड्स टू ह्यूज पॉलीमर्स विथ मॉलिकुलर वेट्स इन ए मिलियंस मे बी फॉर्ड इन ए सिंगल सेल. मींस एक सेल में प्रोटीन की डिफरेंट वैरायटी होती है, डिफरेंट तरह के होते हैं. दूसरा, एक ही सेल में प्रोटीन की डिफरेंट डिफरेंट साइज भी होती है. स्मॉल पेप्टाइड भी हो सकता है और ह्यूज पॉलीमर भी हो सकता है जिसका मॉलिकुलर वेट मिलियंस में हो. मोर ओवर, प्रोटीन्स एग्जिबिट इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन एंड आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पाथवे. अगर प्रोटीन्स की बायोलॉजिकल फंक्शन की अगर बात करें तो प्रोटीन का जो बायोलॉजिकल फंक्शन होता है उसमें भी काफी डाइवर्सिटी होती है. मीन्स प्रोटीन की जो बायोलॉजिकल फंक्शन होती है वो काफी वेराइटी की होती है. प्रोटीन्स इंजाइम्स भी होते हैं, प्रोटीन्स हार्मोन्स भी होते हैं, प्रोटीन्स एंटीबॉडीज भी होते हैं, प्रोटीन्स मसल फाइबर्स में भी होते हैं, प्रोटीन्स आई की लेंस प्रोटीन में भी होते हैं, प्रोटीन्स राइनोसेरस के हॉर्न में भी होते हैं, प्रोटीन्स फिंगर नेल में भी प्रेजेंट होते हैं. सो अगर प्रोटीन की बायोलॉजिकल फंक्शन की बात किया जाए तो प्रोटीन की जो बायोलॉजिकल फंक्शन होती है काफी डाइवर्स होती है. एंड इट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन पाथवे. इंफॉर्मेशन पाथवे क्या है? जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं वो कहाँ होते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए में स्टोर होते हैं. डीएनए से आरएनए बनता है एंड आरएनए से प्रोटीन बनता है, और ये डीएनए भी डीएनए बनाते हैं. सो डीएनए से जब डीएनए बनता है इस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन. क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन. डीएनए से आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन. और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? ट्रांसलेशन. एंड दिस इज द सेंट्रल डॉगमा. क्या है? और इसको सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं. एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन पाथवे. और इस इंफॉर्मेशन पाथवे में प्रोटीन क्या है? फाइनल प्रोडक्ट है. इसका मतलब क्या हुआ? प्रोटीन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करता है. सो प्रोटीन इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन पाथवे एंड प्रोटीन्स आर द मॉलिकुलर इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज एक्सप्रेस्ड. प्रोटीन ऐसा मॉलिकुलर इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस होता है. रिलेटिवली सिंपल मोनोमेरिक सब यूनिट्स प्रोवाइड द की टू द स्ट्रक्चर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स. अगर प्रोटीन की सिंपल मोनोमेरिक सब यूनिट के स्ट्रक्चर की अगर स्टडी कर लें वो थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बता सकता है. All proteins, whether from the most ancient line of bacteria or from the most complex forms of life, are constructed from same ubiquitous set of 20 amino acids. लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो प्रोटीन बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 20 अमाइनो एसिड से बनते हैं. किससे बनते हैं? सिर्फ और सिर्फ 20 अमाइनो एसिड से बनते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो.
कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, प्रोटीन जो उसमें बनते हैं वो 20 अमाइनो एसिड से ही बनते हैं। कोवैलेंटली लिंक्ड इन ए कैरेक्टरिस्टिक लीनियर सीक्वेंस, और ये जो अमाइनो एसिड होते हैं ये लीनियर सीक्वेंस में कोवैलेंटली अरेंज होते हैं। सपोज दैट कि ये एक अमाइनो एसिड है, दिस इज द सेकेंड अमाइनो एसिड, दिस इज द थर्ड अमाइनो एसिड, दिस इज द फोर्थ अमाइनो एसिड। सो जो दो कंसेक्यूटिव अमाइनो एसिड है ये एक स्पेशल कोवैलेंट बॉन्ड से ज्वाइन होता है, किससे ज्वाइन होता है, कोवैलेंट, स्पेशल कोवैलेंट बॉन्ड से ज्वाइन होता है, और इस कोवैलेंट बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। बिकॉज ईच ऑफ दीज अमाइनो एसिड्स हैज ए साइड चेन विद डिस्टिंक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, दिस ग्रुप ऑफ 20 प्रिकर्सर्स मॉलिक्यूल में रिगार्डेड एज द अल्फाबेट इन विच लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर इज रिटन। अमाइनो एसिड्स की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एक काइरल कार्बन होता है, फिर एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है, दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, तीसरा अमाइनो ग्रुप अटैच होता है, एंड चौथा आर ग्रुप अटैच होता है। सो जितने भी 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं उनमें ये पोर्शन जो होता है सब में कॉमन होता है, सब में सेम ही होते हैं। बट 20 अमाइनो एसिड्स आपस में डिफर कैसे करते हैं? वो डिफर करते हैं इस आर ग्रुप से। ये आर ग्रुप ही है जो 20 अमाइनो एसिड्स में डिफरेंट डिफरेंट होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोटीन स्ट्रक्चर के जब लैंग्वेज को लिखते हैं तो उसमें ये अमाइनो एसिड अल्फाबेट की तरह काम करता है। क्या करता है? अल्फाबेट की तरह काम करता है। मींस अमाइनो एसिड सर्व्स एज अल्फाबेट ड्यूरिंग द राइटिंग ऑफ लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज मोस्ट रिमार्केबल इज दैट सेल्स कैन प्रोड्यूस प्रोटीन्स विथ रिमार्केबली डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड एक्टिविटीज बाय ज्वाइनिंग सेम 20 अमाइनो एसिड्स इन मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस एंड सीक्वेंसेस। सो ऐसा रिमार्केबल क्या है जो सेल सिर्फ 20 अमाइनो एसिड से वाइड वैरायटी ऑफ प्रोटीन बनाती है विथ डिफरेंट कॉम्बिनेशन एंड सीक्वेंसेस। फ्रॉम दीज बिल्डिंग ब्लॉक्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन मेक ए सच वाइड डाइवर्स प्रोडक्ट्स सच एज एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, ट्रांसपोर्टर्स, मसल फाइबर्स, द लेंस प्रोटीन ऑफ आई, फीदर्स, स्पाइडर वेब्स, राइनोसेरस हॉर्न, मिल्क प्रोटीन, एंटीबायोटिक्स, मशरूम पॉइजन्स एंड मायरियड अदर सब्सटेंसेस हैविंग डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। सेल्स में ऐसा क्या है जो सेम 20 अमाइनो एसिड से वो डाइवर्स टाइप ऑफ प्रोटीन बनाते हैं, और वो डाइवर्स टाइप ऑफ प्रोटीन एंजाइम भी हो सकते हैं, हार्मोन भी हो सकते हैं, एंटीबॉडीज भी हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टर्स भी हो सकते हैं, मसल फाइबर्स भी हो सकते हैं, आई की लेंस प्रोटीन भी हो सकते हैं, फीदर्स भी हो सकते हैं, स्पाइडर वेब भी हो सकते हैं, राइनोसेरस हॉर्न हो सकते हैं, मिल्क प्रोटीन हो सकते हैं, एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं, मशरूम पॉइजन्स हो सकते हैं। सो दीज आर द सम ऑफ द लिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, और ये जो प्रोटीन है डिफरेंट तरह के, इन सब का फंक्शन काफी डिफरेंट होता है, कुछ भी सिमिलरिटी इन सब के फंक्शन में नहीं है। Among these protein products, the enzymes are the most varied and specialized. ये सारे जो प्रोटीन का भी लिस्ट दिया हुआ है, इसमें जो एंजाइम है वो ऐसा प्रोटीन है जो कि मोस्ट वैरिड एंड स्पेशलाइज होता है। वर्चुअली ऑल सेलुलर रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स। जितने भी सेलुलर रिएक्शन है, सेल्स में जितने भी रिएक्शन कैटलाइज होते हैं, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, सब के सब एंजाइम के द्वारा कैटलाइज किए जाते हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर द टॉपिक्स ऑफ दिस टॉपिक एंड द नेक्स्ट थ्री चैप्टर्स वी बिगिन विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंडामेंटल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। सो आज की क्लास में हम देखेंगे फंडामेंटल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स। यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। ये फिगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइट प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? ये येल्लो कलर जो दिख रहा है ये लाइट प्रोड्यूस हो रहा है। किससे लाइट प्रोड्यूस हो रहा है? इस फ्लाई से। और इस फ्लाई का नाम क्या है? इस फ्लाई को बोलते हैं फायर फ्लाइज। क्या बोलते हैं? फायर फ्लाइज। और ये फायर फ्लाइज में लूसीफेरिन प्रोटीन होती है। क्या होती है? लूसीफेरिन प्रोटीन होती है। और ये लूसीफेरिन प्रोटीन जब एटीपी से रिएक्शन करता है तो क्या देता है? लाइट प्रोड्यूस करता है। और ये जो रिएक्शन है ये कैटालाइज होता है एक एंजाइम से जिसको बोलते हैं लूसीफेरेज। क्या बोलते हैं? लूसीफेरेज एंजाइम बोलते हैं। सो लूसीफेरेज एंजाइम कैटालाइजेस द रिएक्शन ऑफ लूसीफेरिन एंड एटीपी, और इस रिएक्शन से लाइट प्रोड्यूस होता है।
इस फिगर की अगर बात करें तो ये दिस फिगर रिप्रेजेंट्स इरिथ्रोसाइट्स। ये क्या है? ये इरिथ्रोसाइट्स है, और इरिथ्रोसाइट्स को क्या बोलते हैं? आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स है, या रेड ब्लड सेल्स है। और इरिथ्रोसाइट की खास बात क्या है कि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन होता है। क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन होता है। और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन इज हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन क्या है? हीमोग्लोबिन। सो इरिथ्रोसाइट्स में काफी अमाउंट में हीमोग्लोबिन होते हैं, और इस हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। इस फिगर की अगर बात करें, सो दिस इज द राइनोसेरस एंड दिस इज राइनोसेरस हॉर्न। और राइनोसेरस हॉर्न में एक स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं जिनको केराटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केराटिन बोलते हैं। और केराटिन सिर्फ राइनोसेरस हॉर्न में नहीं होता है, ऑल वर्टिब्रेट्स के द्वारा फॉर्म्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेयर, स्केल्स, हॉर्न, ऊल, नेल्स, फीदर्स। नाउ कमिंग टू अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड क्या है? प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स जो होते हैं अमाइनो एसिड का पॉलीमर है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोटीन की जो मोनोमेरिक यूनिट है वो क्या है? अमाइनो एसिड। विथ ईच अमाइनो एसिड रेजिड्यू ज्वाइंट टू इट्स नेबर बाई ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। प्रोटीन में एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से बॉन्ड होते हैं एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से। और इस स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। सो पेप्टाइड बॉन्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोटीन। पेप्टाइड बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन में होंगे, कहीं और नहीं होंगे। द टर्म रेजिड्यू रिफ्लेक्ट्स द लॉस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वॉटर व्हेन वन अमाइनो एसिड इज ज्वाइंट टू अनदर। अब यहाँ पे अमाइनो एसिड रेजिड्यू बोलते हैं। अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन में अमाइनो एसिड रेजिड्यू बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है तो यहाँ पे वॉटर का रिमूवल होता है। क्या होता है? वॉटर का रिमूवल होता है। और जब मॉलिक्यूल से वॉटर रिमूव होता है और उनके बीच में बॉन्ड बनता है तो उनको मॉलिक्यूल नहीं बोलते हैं, उनको रेजिड्यू बोलते हैं। सो प्रोटीन्स में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं दैट इज अमाइनो एसिड रेजिड्यू, बिकॉज वॉटर इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट मॉलिक्यूल। प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन और हाइड्रोलाइज टू देयर कंस्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड्स बाय अ वैरायटी ऑफ मेथड्स, एंड द अर्लीस्ट स्टडीज ऑफ प्रोटीन्स नेचुरली फोकस्ड ऑन द फ्री अमाइनो एसिड्स डिराइव्ड फ्रॉम देम। और क्योंकि प्रोटीन्स में दो कंसेक्यूटिव अमाइनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड बना है वो वाटर के रिमूवल से बना है। अगर यहाँ पे वाटर आएगा इस स्पेसिफिक बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कर देगा, मीन्स प्रोटीन्स ब्रेक डाउन हो जाएगा इंटू फ्री अमाइनो एसिड्स में। 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आर कॉमनली फाउंड इन प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में कितने अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं? 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कोई भी प्रोटीन हो वो 20 कॉमन अमाइनो एसिड से ही बने होते हैं। अगर इनकी डिस्कवरी की बात करें तो इनकी डिस्कवरी काफी इंटरेस्टिंग है। द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड वॉज एस्पराजीन इन 1806। जो फर्स्ट अमाइनो एसिड डिस्कवर हुआ था दैट वॉज एस्पराजीन, और ये 1806 में हुआ था। एंड द लास्ट ऑफ द 20 टू बी फाउंड थ्रियोनिन वॉज नॉट आइडेंटिफाइड अंटिल 1938। लास्ट अमाइनो एसिड की जो डिस्कवरी हुई थी दैट वॉज थ्रियोनिन, और ये थ्रियोनिन 1938 तक डिस्कवर नहीं हुआ था। मीन्स 1806 में फर्स्ट अमाइनो एसिड एस्पराजीन डिस्कवर हुआ था, बट 1938 तक लास्ट अमाइनो एसिड डिस्कवर नहीं हुआ था। All the amino acids have a trivial or common names, in some cases derived from sources from which they were first isolated. जितने भी 20 common amino acids हैं, सब के सब का common name होता है। But कुछ amino acids ऐसे हैं जिनका common name उनके source के basis पे रखा गया है कि किस source से वो first time isolate हुए हैं। For example, अगर asparagine की बात करें तो asparagine सबसे पहले asparagus से identify हुआ था, इसलिए इस अमाइनो एसिड को एस्पराजीन बोलते हैं। ग्लूटामेट की अगर बात करें तो ग्लूटामेट सबसे पहले वीट ग्लूटीन से आइसोलेट हुआ था, इस वजह से ग्लूटामेट बोलते हैं। टायरोसिन की अगर बात करें, टायरोसिन फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड हुआ था चीज से, और चीज को ग्रीक में टायरोस बोलते हैं जिसका मतलब चीज होता है। सो इसी टायरोस से टायरोसिन का नाम पड़ा है। ग्लाइसिन की अगर बात करें तो ग्लाइसिन का टेस्ट स्वीट होता है। कैसा होता है? स्वीट होता है। और स्वीट टेस्ट को
ग्रीक में ग्लाइकोस बोलते हैं। सो ग्लाइकोस का मतलब क्या होता है? स्वीट। इसलिए ग्लाइकोस की वजह से ही ग्लाइसिन नाम पड़ा है। नाउ कमिंग टू कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर। टोटल कितने अमाइनो एसिड्स हैं? टोटल 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स हैं। कितने हैं? 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स हैं। टोटल 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स हैं और इनके अलावा कुछ अनकॉमन अमाइनो एसिड्स भी हैं। बट जितने भी प्रोटीन हैं वो सब के सब 20 कॉमन अमाइनो एसिड से बने होते हैं। और जो 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स हैं उनका स्ट्रक्चरल फीचर क्या होता है? COO- होता है, एक NH3+ होता है, एक हाइड्रोजन होता है और एक R ग्रुप होता है। सो ये जो पोर्शन है अमाइनो एसिड का, ये 20 अमाइनो एसिड शेयर करता है। डिफर कहाँ करता है? डिफर करता है इस R ग्रुप में। सो अभी हम वही समझने वाले हैं कि वो कौन से कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं जिसकी वजह से जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिफर करती है। All 20 of the common amino acids are alpha amino acids. This is the most important point. जितने भी 20 common amino acids हैं, सब के सब alpha amino acid है। Alpha amino acid क्या होता है? They have a carboxyl group and amino group bonded to the same carbon atom, that is alpha carbon atom. Alpha amino acid क्या है? अल्फा अमाइनोसिड वैसे अमाइनोसिड के बोलते हैं जिसमें एक ही कार्बन से, दैट इज अल्फा कार्बन से ही कार्बोक्सिल ग्रुप भी अटैच है और अमाइनो ग्रुप भी अटैच है। मीन्स जब एक ही अल्फा कार्बन एटम से कार्बोक्सिल ग्रुप भी अटैच होगा और अमाइनो ग्रुप भी अटैच होगा तो उस तरह के अमाइनोसिड को अल्फा अमाइनो एसिड बोलेंगे। दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर साइड चेन। इनकी जो डिफरेंस होती है, जो 20 अमाइनो एसिड्स आपस में डिफर करते हैं, वो डिफर करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ R ग्रुप की वजह से, जिसको साइड चेन बोलते हैं, विच वैरी इन स्ट्रक्चर साइज एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये R ग्रुप किस चीज में वैरी करेगा? इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंस होगा अमंग 20 अमाइनो एसिड्स, साइज डिफरेंट होगा एंड इलेक्ट्रिक चार्ज डिफरेंट होगा। और अगर स्ट्रक्चर साइज एंड इलेक्ट्रिक चार्ज डिफर होगा तो ये रिफ्लेक्ट करेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ अमाइनो एसिड्स इन वाटर। सॉल्युबिलिटी ऑफ अमाइनो एसिड्स इन वाटर, वाटर में अमाइनो एसिड्स की सॉल्युबिलिटी को रिफ्लेक्ट करेगा। इन एडिशन टू दीज 20 अमाइनो एसिड्स देयर आर मेनी लेस कॉमन वंस। 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स के अलावा कुछ अनकॉमन अमाइनो एसिड्स भी हैं। क्या है? कुछ अनकॉमन अमाइनो एसिड्स हैं। अब ये अनकॉमन क्यों बोलते हैं? इसका दो रीजन है। पहला रीजन, सम आर रेजिड्यूज मॉडिफाइड आफ्टर ए प्रोटीन हैज बीन सिंथेसाइज। कुछ रेजिड्यू ऐसे हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस के बाद मॉडिफाई करते हैं। अदर्स आर अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बट आर नॉट कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन। कुछ अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो प्रेजेंट होते हैं बट प्रोटीन का कंस्टिट्यूएंट नहीं है। तो इस तरह के अमाइनो एसिड्स को अनकॉमन अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। और कॉमन अमाइनो एसिड्स किसको बोलते हैं? कॉमन अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रोटीन्स का पार्ट होते हैं। दैट अमाइनो एसिड्स आर कॉमन अमाइनो एसिड्स। और कॉमन अमाइनो एसिड्स टोटल 20 हैं। कितने हैं? 20 हैं। एंड ऑल 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स आर अल्फा अमाइनो एसिड्स। सारे के सारे अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं। The common amino acids of proteins have been assigned 3-letter abbreviation and 1-letter symbol. जितने भी 20 common amino acids हैं, उनको दो तरह से nomenclature किया गया है। First one is the 3-letter abbreviation and second one is the 1-letter symbol. So these are the 20 common amino acids: glycine, alanine, proline, valine, leucine, isoleucine, methionine, phenylalanine, tyrosine, tryptophan, serine, threonine, cysteine, asparagine, glutamine, lysine, histidine, arginine, aspartate and glutamate. So these are 20 common amino acids and these are their respective 3-letter abbreviation. क्या है? जैसे glycine के लिए GLY, alanine के लिए ALA, प्रोलीन के लिए PRO, मीन्स इस ग्लाइसिन का जो नाम है उसका फर्स्ट 3 लेटर इज द 3-letter एब्रिविएशन एंड दे ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज सिंगल लेटर सिंबॉल। सिंगल लेटर सिंबॉल से भी इनको डेजिग्नेट किया जाता है। सो दीज आर द टू फॉर्म ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइनो एसिड्स।
which are used as shorthand to indicate the composition and sequence of amino acids polymerized in proteins. और ये जो थ्री लेटर एब्रीविएशन है एंड सिंगल लेटर सिंबल है, इनको शॉर्ट हैंड के फॉर्म में यूज किया जाता है. कब? जब हम प्रोटीन में अमाइनो एसिड का कंपोजिशन एंड सीक्वेंस लिखते हैं. सो जब हम प्रोटीन में अमाइनो एसिड का कंपोजिशन एंड सीक्वेंस को लिखते हैं, उस टाइम में थ्री लेटर या फिर सिंगल लेटर को हम यूज करते हैं जो शॉर्ट हैंड के फॉर्म में. टू कन्वेंशन आर यूज टू आइडेंटिफाई द कार्बन इन एन अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड में कार्बन को आइडेंटिफाई करने के लिए दो कन्वेंशन यूज करते हैं. फर्स्ट वन क्या है, या तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा यूज करेंगे, या फिर दूसरा नंबरिंग कन्वेंशन यूज करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ. अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड वन टू थ्री फोर किस रेस्पेक्ट में यूज करते हैं. ए प्रैक्टिस दैट कैन बी कन्फ्यूजिंग. The additional carbons in an R group can be are commonly designated as beta, gamma, delta, epsilon and so forth, proceeding out from the alpha carbon. जितने भी 20 अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या है, अल्फा अमाइनो एसिड्स. और अल्फा अमाइनो एसिड क्या होते हैं, अल्फा कार्बन से कार्बोक्सिल ग्रुप भी अटैच होते हैं और अमाइनो ग्रुप भी अटैच होते हैं. सो दिस इज द अल्फा कार्बन. और अल्फा कार्बन के बाद जितने कार्बन आएंगे उनको बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन एंड सो फोर्थ यूज करेंगे. दूसरा कन्वेंशन क्या है, दूसरा कन्वेंशन है नंबरिंग कन्वेंशन. फॉर मोस्ट अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कार्बन एटम्स आर सिंपली नंबर्ड फ्रॉम वन एंड गिविंग highest priority carbon number 1 to the carbon with the substituent containing the atom of highest carbon number. Numbering convention में क्या होता है कि carbon को number से assign करते हैं और first number of carbon उसे देते हैं जिसका जिसके साथ जो substituent attach है उसका highest atomic number हो. यहाँ पे carbon का दो end है, first one is this and second one is this. अगर इस इंड को कंसिडर करते हैं तो इस पे जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वो हाइड्रोजन अटैच है, इस पे सब्स्टिट्यूएंट ऑक्सीजन अटैच है. तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, दैट इज ऑक्सीजन. सो दिस कार्बन शुड बी नंबर्ड एज फर्स्ट कार्बन एटम एंड इसके बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सो ऑन. सो दिस इज द नंबरिंग कन्वेंशन. अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब अल्फा बीटा गामा डेल्टा कन्वेंशन यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हेट्रोसाइक्लिक आर ग्रुप होते हैं जैसे प्रोलीन और वैसा अमाइनो एसिड जिसमें हेट्रोसाइक्लिक आर ग्रुप है उनमें जो ग्रीक लेटर कन्वेंशन है उसमें डिफिकल्टी होती है, इसलिए वहां पे नंबरिंग सिस्टम कन्वेंशन को यूज करते हैं. सो इन समरी अमाइनो एसिड में कार्बन को आइडेंटिफाई करने का दो सिस्टम है, फर्स्ट वन इज द ग्रीक कन्वेंशन, दूसरा नंबरिंग कन्वेंशन. ग्रीक कन्वेंशन में अल्फा बीटा गामा डेल्टा यूज करते हैं, नंबरिंग कन्वेंशन में 1 2 3 4 यूज करते हैं. ग्रीक कन्वेंशन डिफिकल्ट हो जाता है उस अमाइनो एसिड के लिए जिनमें हेट्रोसाइक्लिक आर ग्रुप होते हैं, इसलिए उस केस में नंबरिंग कन्वेंशन यूज करते हैं. फॉर ऑल द कॉमन अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन द अल्फा कार्बन इज बॉन्डेड टू फोर डिफरेंट ग्रुप्स, ए कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, आर ग्रुप एंड हाइड्रोजन एटम. अगर अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर क्या है, अमाइनो एसिड्स जितने भी कॉमन अमाइनो एसिड्स हैं वो अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं. उस अल्फा कार्बन एटम पे चार डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं. फर्स्ट वन इज द कार्बोक्सिल, सेकेंड वन इज द NH3, थर्ड वन इज द R एंड फोर्थ वन इज द H. और ये सारे 20 अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर है एक्सेप्ट ग्लाइसिन. किसका, एक्सेप्ट ग्लाइसिन. ग्लाइसिन में क्या होता है, ये जो आर ग्रुप है यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होता है ग्लाइसिन में. सो द अल्फा कार्बन एटम इज थस काइरल सेंटर. इसका मतलब क्या हुआ, ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उनका जो अल्फा कार्बन है ये क्या है, काइरल सेंटर है. क्या है, काइरल सेंटर है. काइरल सेंटर क्या होता है, काइरल सेंटर मॉलिक्यूल का वह कार्बन है जहां पे फोर डिफरेंट ग्रुप अटैच है. सो दिस कार्बन इज द काइरल सेंटर एक्सेप्ट ग्लाइसिन. बिकॉज ऑफ द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अराउंड द अल्फा कार्बन एटम द फोर डिफरेंट ग्रुप्स कैन ऑक्यूपाई टू यूनिक स्पेशल अरेंजमेंट्स एंड दस अमाइनो एसिड्स हैव टू पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स. क्योंकि अल्फा कार्बन में चार डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं. क्या होते हैं, चार डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं. सो इस अल्फा कार्बन एटम के अराउंड जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है
वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में अरेंज रहते हैं। क्या होते हैं? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो अरेंजमेंट होता है दैट इज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। और टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट की वजह से क्या होता है, इनके चारों ग्रुप्स दो यूनिक स्पेशियल अरेंजमेंट को ऑक्यूपाई करते हैं। क्या करते हैं? इनके जो चारों ग्रुप्स हैं वो दो यूनिक स्पेशियल अरेंजमेंट को ऑक्यूपाई करते हैं। और क्योंकि दो यूनिक स्पेशियल अरेंजमेंट को ऑक्यूपाई करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, अमाइनो एसिड्स का दो पॉसिबल स्टेरियो आइसोमर्स होगा। मींस एक अमाइनो एसिड्स का दो स्टेरियो आइसोमर्स होगा, और ये स्टेरियो आइसोमर्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होंगे एक दूसरे के, और एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होंगे। इस वजह से ये जो दो फॉर्म्स होंगे उनको इनेंशियोमर्स बोलते हैं। इनेंशियोमर्स क्या है? जब दो स्टेरियो आइसोमर्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होंगे एक दूसरे के, उस तरह के स्टेरियो आइसोमर्स को इनेंशियोमर्स बोलते हैं। एंड ऑल मॉलिक्यूल्स विद द कायरल सेंटर आर आल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। और ये थंब रूल है कि कोई भी मॉलिक्यूल हो जिसमें कायरल सेंटर हो वो सब के सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब क्या हुआ, वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं, चाहे वो राइट रोटेट करें या फिर लेफ्ट रोटेट करें। अगर वो लेफ्ट रोटेट करते हैं तो उसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, अगर वो राइट रोटेट करते हैं तो उसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। एल स्मॉल एल फॉर लेवो रोटेटरी, स्मॉल एल का मतलब क्या हुआ लेवो रोटेटरी, स्मॉल डी का मतलब क्या हुआ डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या हुआ? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। स्पेशल नोमेनक्लेचर हैज बीन डेवलप्ड टू स्पेसिफाई द एब्सोल्यूट कॉन्फिग्रेशन। सो अब आते हैं अमाइनो एसिड के एब्सोल्यूट कॉन्फिग्रेशन पे। अगर किसी कार्बन से फोर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हों तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? इसको नोमेनक्लेचर के लिए एब्सोल्यूट कॉन्फिग्रेशन लाया गया। एंड एब्सोल्यूट कॉन्फिग्रेशन क्या है? एब्सोल्यूट कॉन्फिग्रेशन सुगर एंड अमाइनो एसिड्स के लिए DLN सिस्टम। सुगर एंड अमाइनो एसिड्स के लिए जो एब्सोल्यूट कॉन्फिग्रेशन का नोमेनक्लेचर है दैट इज DLN सिस्टम। DLN सिस्टम किसके लिए है? सिंपल सुगर एंड अमाइनो एसिड्स के लिए। और इनका जो रेफरेंस है दैट इज ग्लिसरल डिहाइड। ग्लिसरल डिहाइड के रेफरेंस को लेकर ही हम सुगर एंड अमाइनो एसिड्स को DLN सिस्टम में नोमेनक्लेचर करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप इज द जितने भी कार्बन है उस मॉलिक्यूल में सबको वर्टिकली अलाइन करते हैं। क्या करते हैं? वर्टिकली अलाइन करते हैं। और जो कार्बन नंबर वन है, मीन्स वैसा कार्बन जिसके साथ हाईएस्ट एटॉमिक नंबर का सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, दैट इज ऑन द टॉप है। इस केस में क्या है? इस केस में है एल्डिहाइड ग्रुप, और एल्डिहाइड वाले कार्बन को सबसे टॉप पे रखेंगे, देन सेकेंड एंड देन थर्ड। अब इस तरह से अगर अरेंज करते हैं तो इनका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या तो लेफ्ट में आता है या तो राइट में आता है। अगर लेफ्ट में आता है तो उस ग्लिसरल डिहाइड को एल ग्लिसरल डिहाइड बोलते हैं, अगर राइट में आता है तो उस ग्लिसरल डिहाइड को डी से डेजिग्नेट करते हैं। अब सवाल यह है कि एल ग्लिसरल डिहाइड एंड डी ग्लिसरल डिहाइड को रेफरेंस करके अदर सुगर्स एंड अमाइनो एसिड्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं एग्जाम्पल लेके अलानिन का। यहाँ पे क्या करते हैं, अलानिन के भी कार्बन को वर्टिकली अलाइन करते हैं। यहाँ पे वर्टिकली क्या होगा, COO- जो होगा सबसे फर्स्ट पे होगा यानी टॉप पे होगा, देन सेकेंड एंड देन थर्ड। जब इस तरह से वर्टिकली अलाइन कर लेते हैं तो इसको अब ग्लिसरल डिहाइड के साथ अलाइन करते हैं। क्या करते हैं? ग्लिसरल डिहाइड के साथ अलाइन करते हैं। और ग्लिसरल डिहाइड का जो CHO है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ये वन स्टेप ऑक्सीडेशन अगर इसका करते हैं तो COOH में कन्वर्ट हो जाता। सो हियर इट इज अ COO- एंड इट इज आल्सो COO-। अब ये COO- अलाइन हो जाएगा। जब इस तरह से अलाइनमेंट हो जाएगा तो जो अमाइनो एसिड्स हैं उनका R ग्रुप हमेशा अल्फा कार्बन के नीचे आएगा। क्या आएगा? अल्फा कार्बन के नीचे आएगा। तो ये तो सारे अमाइनो एसिड्स में होंगे, कार्बोक्सिल ग्रुप टॉप पे होगा एंड उनका R ग्रुप बॉटम पे होगा।
जो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा वो अल्फा कार्बन के ऊपर होगा एंड आर ग्रुप जो होगा वो अल्फा कार्बन के नीचे होगा। अब यहाँ पे डिफरेंसेस देखना है। डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस है अमाइनो ग्रुप में। डिफरेंसेस कहाँ है? डिफरेंसेस है अमाइनो ग्रुप में। अगर एलानिन का मॉलिक्यूल एल ग्लिसरलडिहाइड से अलाइन करते हैं और अमाइनो ग्रुप लेफ्ट साइड में होता है तो उस एलानिन को एल डेजिग्नेट करते हैं, लेकिन अगर अमाइनो ग्रुप राइट में हो तो उस एलानिन को डी डेजिग्नेट करते हैं। दिस इज द बेसिस एंड दिस इज द मैकेनिज्म हाउ एलानिन आर डेजिग्नेटेड इन डी एंड एल सिस्टम। सो द एब्सोल्यूट कॉन्फिग्रेशन ऑफ सिंपल सुगर्स एंड अमाइनोसिड्स आर स्पेसिफाइड बाई डी एंड एल सिस्टम। सिंपल सुगर्स एंड अमाइनोसिड का जो एब्सोल्यूट कॉन्फिग्रेशन है उसको डी एल सिस्टम से स्पेसिफाई करते हैं बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट कॉन्फिग्रेशन ऑफ द थ्री कार्बन सुगर ग्लिसरलडिहाइड। और इनका जो बेसिस है क्या है? थ्री कार्बन सुगर ग्लिसरलडिहाइड, ए कन्वेंशन प्रपोज बाई इमिल फिशर। और ग्लिसरलडिहाइड का जो डी एल सिस्टम है वो किन्होंने प्रपोज किया था? वो प्रपोज किया था इमिल फिशर ने इन 1891। फिशर न्यू वॉट ग्रुप सराउंडेड द एसिमेट्रिक कार्बन ऑफ ग्लिसरलडिहाइड बट हैड टू गेस एट देयर एब्सोल्यूट कॉन्फिग्रेशन। हिज गेस वॉज लेटर कन्फर्म बाई एक्स रे डिफ्रैक्शन एनालिसिस। इमिल फिशर को पता था कि ग्लिसरलडिहाइड का जो एसिमेट्रिक कार्बन है उस पे चार डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स कौन से अटैच हैं और उन्होंने उसका एब्सोल्यूट कॉन्फिग्रेशन भी गेस किया था। और वो जो गेस किया था एब्सोल्यूट कॉन्फिग्रेशन उसको बाद में एक्स रे डिफ्रैक्शन एनालिसिस से कन्फर्म भी किया गया। फॉर ऑल कार्बन कंपाउंड्स स्टीरियो आइसोमर्स हैविंग ए कॉन्फिग्रेशन रिलेटेड टू दैट ऑफ एल ग्लिसरलडिहाइड आर डेजिग्नेटेड एल एंड स्टीरियो आइसोमर्स रिलेटेड टू डी ग्लिसरलडिहाइड आर डेजिग्नेटेड डी। मीन्स जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं उनके जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं अगर एल ग्लिसरलडिहाइड से रिलेटेड है तो उसको एल से डेजिग्नेट करेंगे, अगर डी ग्लिसरलडिहाइड से रिलेटेड है तो डी डेजिग्नेट करेंगे। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल एलानिन आर मैच्ड विद दोज ऑफ एल ग्लिसरलडिहाइड बाय अलाइनिंग दोज दैट कैन बी इंटर कन्वर्टेड बाय सिंपल वन स्टेप केमिकल रिएक्शन। मीन्स जो एल एलानिन का फंक्शनल ग्रुप है उसको एल ग्लिसरलडिहाइड के फंक्शनल ग्रुप से अलाइन करते हैं बाय सिंपल वन स्टेप केमिकल रिएक्शन। और वन स्टेप केमिकल रिएक्शन क्या है? एल ग्लिसरलडिहाइड का जो एल्डिहाइड ग्रुप है वन स्टेप ऑक्सीडेशन के बाद वो कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। दस द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ एल एलानिन ऑक्यूपाइज द सेम पोजिशन अबाउट द कायरल कार्बन एज डज द एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ एल ग्लिसरलडिहाइड। Because an aldehyde is readily converted to carboxyl group via one step oxidation. Historically, similar L and D designations are used for levorotatory rotating light to the left and dextrorotatory rotating light to the right. Similarly, एक और designation है that is small L and small D. Small L represents levorotatory and small d designates dextrorotatory. Levo means क्या हुआ? ये plane polarized light को left rotate करेगा, L for levo and L for left. Dextrorotatory क्या हुआ? ये plane polarized light को right rotate करेगा. However, not all L amino acids are levorotatory. Means अगर L form of amino acid है तो जरूरी नहीं है कि सारे एल फॉर्म ऑफ एमाइनो एसिड स्मॉल एल होंगे। मीन्स सारे एल एमाइनो एसिड्स प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में रोटेट करेंगे एंड द कन्वेंशन शोन एंड इज नीडेड टू अवॉइड पोटेंशियल एम्बिग्युटीज दैट एब्सोल्यूट कॉन्फिग्रेशन। मीन्स All L amino acids are not levorotatory. By Fischer's convention, L and D refers only to the absolute configuration of four substituents around the chiral carbon, not the optical properties of molecule. So, जो D and L system है, ये सिर्फ और सिर्फ absolute configuration को बताता है। क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट कॉन्फिग्रेशन को बताता है, ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को नहीं बताता है। डीएलएन सिस्टम। अनदर सिस्टम ऑफ स्पेसिफाइंग कॉन्फिग्रेशन अराउंड कायरल सेंटर इज द आरएस सिस्टम व्हिच इज यूज्ड इन द सिस्टमेटिक nomenclature of organic chemistry and describes more precisely the configuration of molecules with more than one chiral center. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एक से ज्यादा कायरल कार्बन होते हैं, और जब एक से ज्यादा कायरल कार्बन होते हैं तो उनके नोमेनक्लेचर
आरएस सिस्टम से किया जाता है। किससे किया जाता है? आरएस सिस्टम से। अब सवाल यहाँ पे ये है कि लिविंग सिस्टम में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो एल फॉर्म में होते हैं या डी फॉर्म में होते हैं या फिर दोनों होते हैं। नियरली ऑल बायोलॉजिकल कंपाउंड्स विथ ए काइरल सेंटर अकर्स नेचुरली इन ओनली वन स्टेरियो आइसोमेरिक फॉर्म इधर डी और एल। जितने भी बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं, चाहे वो सुगर हो या फिर अमाइनो एसिड्स हो, ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ एक स्टेरियो आइसोमेरिक फॉर्म में होंगे लिविंग सिस्टम में, दो फॉर्म में कभी नहीं होंगे, चाहे वो एल होंगे या फिर डी होंगे। जैसे अगर शुगर की बात करें तो जितने भी शुगर होते हैं लिविंग सिस्टम में, चाहे वो ग्लूकोज हो या फ्रुक्टोज हो, ये सारे के सारे डी फॉर्म में होंगे। तो अब सवाल ये है कि अमाइनो एसिड्स किस स्टेरियो आइसोमेरिक फॉर्म में होगा। द अमाइनो एसिड रेसिड्यू इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एक्सक्लूसिवली एल स्टेरियो आइसोमर्स है। अमाइनो एसिड्स जो होंगे वो एक्सक्लूसिवली एल स्टेरियो आइसोमर्स होंगे। बट यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? डी अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। डी अमाइनो एसिड रेसिड्यू हैव बीन फाउंड ओनली इन अ फ्यू जनरली स्मॉल पेप्टाइड्स इंक्लूडिंग सम पेप्टाइड्स ऑफ सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल एंड सर्टेन पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स। डी अमाइनो एसिड्स कहाँ होते हैं? डी अमाइनो एसिड्स होते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल में एंड पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स में, कुछ पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स में होते हैं। इट इज रिमार्केबल दैट वर्चुअली ऑल अमाइनो एसिड रेसिड्यू इन प्रोटीन्स आर एल स्टेरियो आइसोमर्स। यहाँ पे क्या है कि लिविंग सिस्टम में जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन में, सब के सब एल स्टेरियो आइसोमर्स है। अब यहाँ पे सवाल है कि सेल यहाँ स्पेसिफिकली अमाइनो एसिड्स का सिर्फ एल आइसोमर ही क्यों सिंथेसाइज करता है, डी आइसोमर्स क्यों नहीं सिंथेसाइज करता है। सो व्हेन काइरल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन द रिजल्ट इज रेसमिक मिक्सचर ऑफ डी एंड एल आइसोमर्स। जब केमिकल रिएक्शन के थ्रू काइरल कंपाउंड बनते हैं तो वहां पे डी एंड एल आइसोमर का मिक्सचर बनते हैं और उस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। और इस मिक्सचर में इनको डी एंड एल फॉर्म को डिस्टिंग्विश करना एंड सेपरेट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, विच आर डिफिकल्ट फॉर ए केमिस्ट टू डिस्टिंग्विश एंड सेपरेट। बट टू ए लिविंग सिस्टम डी एंड एल आइसोमर्स आर डिफरेंट एज द राइट हैंड एंड द लेफ्ट हैंड। बट लिविंग सिस्टम में क्या होता है, डी एंड एल आइसोमर्स डिफरेंट होता है, जैसे कि राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डिफरेंस होता है। द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल रिपीटिंग सब स्ट्रक्चर्स इन प्रोटीन्स जनरली रिक्वायर्स दैट देयर कंस्टिट्यूएंट अमीनो एसिड्स बी ऑफ वन स्टेरियो केमिकल सीरीज। और लिविंग सिस्टम में जो आइसोमर्स होते हैं अमीनो एसिड्स का, वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेरियो केमिकल सीरीज के होते हैं। द सेल्स आर एबल टू स्पेसिफिकली सिंथेसाइज एल आइसोमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। सेल्स जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली एल अमीनो एसिड्स को, एल आइसोमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स को सिंथेसाइज करते हैं। बिकॉज द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स आर एसिमेट्रिक कॉजिंग द रिएक्शंस दे कैटालाइज टू बी स्टेरियो स्पेसिफिक। वो क्यों? क्योंकि जो एंजाइम अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज करता है वो एंजाइम एसिमेट्रिक होता है। क्या होता है? एसिमेट्रिक होता है। और एसिमेट्रिक होने की वजह से ही सेल्स स्पेसिफिकली उस रिएक्शन को स्टेरियो स्पेसिफिक कैटालाइज करता है और एल अमाइनो एसिड ए और एल आइसोमर्स की ही सिंथेसिस होती है, डी आइसोमर्स की सिंथेसिस नहीं होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी डॉट एंड सजेशन, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।